हम सबका उसमें भागदारी बहुत आवश्यक है। हमने स्वतंत्रता की लड़ाई में तो देखी है न तो नहीं है, लेकिन हमें हमेशा बुराइयों के खिलाफ लड़ना चाहिए। अभी हमारे सामने एक कोरोना नामक बुराई आई है, हमको उससे लड़ करके और स्वतंत्रता हासिल करनी है। उसके लिए जो भी हमें आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करना चाहिए। सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए, सभी ने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो भी प्रयास हो सके वो करना चाहिए। और बीमारी अगर हो जाए तो उसको ऐसा छुआ छूत न मान करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं और लोगों को संबल प्रदान करें। हम लोग पिछले वर्षों में देखा है कि जो बीमार हो जाते हैं उसे हम मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर्स भी राउंड लेते हैं और सारी सिस्टर्स नर्सें जो होती हैं वो उनका ध्यान रखती हैं, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। तो हम लोगों को सभी को संबल प्रदान करना चाहिए, दुख की घड़ी में सभी को साथ में होना चाहिए और मिल करके खुशी को इसी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए जैसा आज हमने बच्चों को देखा सेलिब्रेट करते हुए। हम लोग 1.5 साल से घरों में कैद थे, उसके बाद सभी को बाहर निकलने की बड़ी इच्छा है, तो हमें भी बच्चों जैसा खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। आज इस खुशी के मौके पर अवसर पर मैं सभी को पूरा हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे आज बुलाया, याद किया और उसका बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।